अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम बिलाल है। आज हम इस वीडियो में जवानी की अहमियत के बारे में बात करेंगे कि जवानी की क्या अहमियत है। हदीस की रोशनी में भी बात करेंगे जवानी की अहमियत। मेरे दोस्तों, जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कदर इन जवानों से पूछी जा सकती है जो अपनी जवानी अपने हाथों से तबाह कर चुके हैं और अब सिवाय अफसोस के वो कुछ नहीं कर सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो बेहतर वो जवान है जो बूढ़ों के मिसल हो और बदतर वो बूढ़ा है जो जवानों के मानिंद हो। जवान में ये सिफत होनी चाहिए कि वो अपने को बूढ़ा समझे, यानी मौत के करीब जाने। बहुत से बूढ़े ऐसे हैं जिनके सामने लाखों जवान मार चुके हैं। अल्लाह के नजदीक जवान की तौबा हजार बूढ़ों की तौबा से भी ज्यादा अजीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवान की एक रकत बूढ़े की 10 रकतों से अफजल है और जवान की तौबा को अल्लाह दोस्त रखता है। अहदीस में आता है कि हर रोज एक फरिश्ता ऐलान करता है कि ए जवानों, अपनी जवानी जाया ना करो वरना पछताओगे। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए जवानों, मैंने जवानी दी ताकि तो काम और तौबा करे। अफसोस है कि तो बेकार रहता है और कुफरान नेमत करता है। आगाह हो जा कि मैं तुझे दुज़ख में उल्टा लटकाऊंगा। वस्सलाम।